हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोकायन आईएएस। पिछले वीडियो में हमने मिटिगेशन और अडॉप्टेशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वेदर यानी क्या? मौसम। तो व्हाट इज वेदर? इट्स अ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हम मिनिमम 1 डे टू मैक्सिमम 7 डे का टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं, यानी कि मैक्सिमम एक हफ्ते में किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यानी कि रेनफॉल कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसे है, उसके बारे में जो एटमॉस्फेरिक स्टेट है तो उसी को हम क्या कहेंगे? वेदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी फिलहाल विंटर के दिन शुरू है। जब आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो हम बहुत बार बोलते हैं कि आज बड़े कड़ाके की ठंड है, या फिर आप अगर पूरे दिन को ही कंसिडर करो तो सुबह आपको ठंड महसूस होती है, जैसे जैसे दोपहर होती है टेम्परेचर की वजह से आपको गर्मी महसूस होने लगती है, और जैसे ही शाम ढलती है तो आपको फिर से ठंड महसूस होने लगती है। तो इसी हिसाब से पूरे मैक्सिमम एक हफ्ते में किस तरह का मौसम है, किस तरह का वेदर है, या फिर किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेदर। इसी वेदर को अगर लॉन्ग टर्म पीरियड में आप कंसिडर करो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट। तो व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज नथिंग बट द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। ठीक है, तो क्लाइमेट में क्या करते हैं? इसमें मैक्सिमम 100 ईयर तक का टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। मतलब इसमें पूरे 100 ईयर में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल किस तरह से चलता आ रहा है, इसका एक ऑब्जर्वेशन किया जाता है। किसमें? क्लाइमेट में। तो आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।